नमस्कार, मैं श्वेता, आप देख रहे हैं खबर फॉर यू। आज बात बिहार के एक दिग्गज दलित नेता के लव स्टोरी की। आज मैं आपको बताऊंगी बिहार के उस दलित नेता की दूसरी बीवी की कहानी, जिनके प्यार के पाठशाला में दाखिला लेते उन्होंने अपनी पहली पत्नी को उस जमाने में तलाक दे दिया था, जब तलाक शब्द आम लोगों के शब्दकोश में भी नहीं हुआ करता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना शर्मा उर्फ रीना पासवान के बारे में, जिनके साथ हवाई सफ़र के दौरान रामविलास पासवान को प्यार हुआ, तब उन्होंने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया। उस समय राजकुमारी देवी की गोद में दो दो नन्ही बिटिया यानी आशा और उषा पासवान के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। आज मैं आपको बताऊँगी रीना शर्मा से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ। आप विकिपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया सर्च करने आपको रीना शर्मा ब्राह्मणी दिखाई देंगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी रीना शर्मा की वास्तविक कहानी। इसी प्रकार से आप रीना शर्मा की बिटिया निशा पासवान के बारे में आप कहीं भी सर्च करेंगे जानकारी नहीं मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं रीना शर्मा उर्फ रीना पासवान की कहानी। कहते हैं पंजाब के अमृतसर की रहने वाली और मूल रूप से पंजाबी हिंदू परिवार से ताल्लुकात रखने वाली रीना शर्मा एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। वर्ष 1967 में विधायक के रूप में अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने वाले रामविलास पासवान सांसद बनकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में अपना कद बढ़ा रहे थे। इसी दौरान हवाई सफ़र करने का उन्हें अवसर मिलने लगा और हवाई सफ़र में ही उनकी आंखें चार हुई रीना शर्मा की एक एयर होस्टेस से। इस लव स्टोरी ने दिल्ली से अपनी धमक बिहार की राजधानी पटना तक पहुंचाई, प्यार परवान चढ़ा और अपना ऐसा रंग दिखाया कि पटना में रह रहे रामविलास पासवान की पहली पत्नी की दुनिया मानो उजाड़ दी। वर्ष 1981 में राजकुमारी देवी से रामविलास पासवान ने तलाक लेकर वर्ष 1983 में रीना शर्मा से शादी कर ली। रीना शर्मा अब रीना पासवान बन गई। उनसे रामविलास पासवान को एक बेटा चिराग पासवान और एक बेटी निशा पासवान हुई। चिराग पासवान अभिनेता बनना चाहते थे। उनकी साल 2011 में एक फिल्म मिले हम ना मिले तुम आए, जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने का सपना छोड़ राजनेता बनने की राह पर चल पड़े और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने लगे। वर्ष 2014 में उन्होंने जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर सांसद बने और लोकसभा पहुंचे। रीना शर्मा की बिटिया यानी निशा पासवान की शादी बिहार के कांग्रेसी नेता ज्योति के बेटे से हुई और वह वर्तमान में राजनीति से दूर हैं। रीना शर्मा के बारे में ब्राह्मण होने का हुआ उस समय विराम लग गया जब खराब तबीयत के कारण रामविलास पासवान ने हाजीपुर से वर्ष 2019 को लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और यह चर्चा आई कि रीना शर्मा और रीना पासवान अब हाजीपुर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि दलित की पत्नी होने के बावजूद भी कोई भी गैर दलित परिवार में जन्मी महिला सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती है, यानी रीना पासवान भी दलित हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।